नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल क्लास लाइव क्लास देख लिया है, बाकी अब कुछ बच्चों का कहना था, कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताइए कि एमएस ऑफिस में कैसे हम लोग काम करते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस में, और एमएस ऑफिस के कितने पार्ट्स होते हैं, एमएस ऑफिस को कैसे ओपन करते हैं। एमएस वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जो एमएस ऑफिस का फर्स्ट टाइप्स होता है वो होता है एमएस वर्ड। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं आगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर चलते हैं कि हम लोग एमएस वर्ड कैसे पढ़ते हैं, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कितने मेनूज होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं एमएस वर्ड सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करने का जो हमारा तरीका है, हम लोग या तो स्टार्ट बटन, देखिए यहाँ पे साइड में स्टार्ट बटन दी हुई है, या तो यहाँ पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएँ, फिर यहाँ पे एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, जो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितने ऑप्शन दे रहे हैं, नौ ऑप्शंस दे रहे हैं। अब नौ ऑप्शंस दे रहे हैं, इसमें से एक है एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लोग देखिए विंडोज 7 पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग ऑफिस 7 पे पढ़ेंगे, ऑफिस 7 के बारे में जानेंगे। हम लोग हाई लेवल का भी हम लोग बना चुके हैं वीडियोस, लेकिन आप लोग 7 पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है और समझ में आता है। तो सारे बच्चों को समझने के लिए एमएस ऑफिस 7 जो होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस 7। हम लोग जब यहाँ पर क्लिक करते हैं एमएस ऑफिस, जो हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन है हमारा, एमएस ऑफिस खुल जाता है। खुल गया, देखिए एमएस ऑफिस खुल गया ना, तो ये हमारा ऑप्शन है एमएस ऑफिस खोलने का। ये पब्लिशर खुल गया बाय मिस्टेक। हम लोग यहाँ पे जाएंगे एमएस ऑफिस में और वर्ड पे जाएंगे, तो देखिए एमएस ऑफिस वर्ड हमारा खुल जाएगा। देखिए एमएस वर्ड खुल गया, एमएस वर्ड खुल गया, हम इसको कट कर देते हैं। फिर से हमारा दूसरा ऑप्शन होता है विंडोज प्लस आर, क्या है, विंडोज प्लस आर जब हम लोग दबाएंगे तो रन कमांड खुलेगा। कौन सा कमांड खुलेगा, रन कमांड खुलेगा। फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विन वर्ड लिखेंगे, विन वर्ड लिख के जो ही हम लोग इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा। खुल गया एमएस वर्ड, खुल गया। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं एमएस वर्ड क्या होता है। देखिए एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी रिज्यूम बनाना हुआ, कोई भी बायोडेटा बनाना हुआ, कोई भी ऑफिशियल वर्क करना हुआ, टेबल बनाना हुआ, कुछ भी टाइपिंग करना हुआ, यहाँ तक कि टाइपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, क्या यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम लोग सीधे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे, प्रैक्टिकल पे चलते हैं कि एमएस वर्ड हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एमएस वर्ड पे। देखिए जो हमारा एमएस वर्ड होता है वो सामने दिख रहा है, यही हमारे एमएस वर्ड का पूरा फंक्शंस है जो हम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया, ये है ऑफिस बटन, क्या है, ये है ऑफिस बटन। जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो ऑफिस बटन पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब ऑफिस बटन के अगर ऑप्शंस को हम लोग जाने तो सबसे पहले हमारा है न्यू, क्या है, सबसे पहले हमारा है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी न्यू पेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन बनाया, कोई भी डेटा तैयार किया, फिर उसके बाद हमें न्यू पेज लेना है तो हम लोग यहाँ क्लिक करके न्यू पेज ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ओपन। अब ओपन आप लोग जानते हैं कि जो भी डेटा हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं उस डेटा को अगर हमें ओपन करना हो, ठीक है, उस डेटा को अगर हमें ओपन करना हो तो हम ओपन का प्रयोग करते हैं। इन सब की शॉर्टकट की भी होती है, जैसे न्यू का कंट्रोल प्लस एन, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन, ओपन का क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ। तो ये सारी क्या है, शॉर्टकट कीज हैं। अगर हम बात करें किसकी, बात करें सेव की, तीसरा सेव है, तो हम कोई भी डेटा जब तैयार करते हैं तो हमें उसे सेव भी करना होता है। जब हम कोई डेटा सेव करते हैं तो वो हम आसानी से सेव कर सकते हैं किसी भी फाइल में, तो सेव मेनू का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर अगला है हमारा सेव एज, क्या है, सेव एज है। तो सेव एज मतलब क्या होता है
कि एक डेटा को कई बार सेव करना हम लोग आसानी से सेव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डेटा हमने बनाया, क्या किया, कोई भी डेटा हमने बनाया, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ सेव होगा, डॉक्यूमेंट में सेव होगा। लेकिन अगर उसे मुझे और कहीं भी सेव करना है, दो चार जगह पे सेव करना है, तो सेव एज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो हमारा माई कंप्यूटर खुलेगा। माई कंप्यूटर में जाने के बाद जिस फाइल में, जिस फोल्डर में जाना है, उसमें हम लोग ऑटोमेटिक जाके आसानी से हम लोग क्या, हम लोग आसानी से सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंट। अब प्रिंट तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी डेटा हमें प्रिंट करना हुआ तो हम लोग आसानी से यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट मतलब प्रिंट करना, वो बताएगा कि कौन कौन सा आपको चेक करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ प्रिंट किया तो ये हमारा ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, ये बताएगा कि कौन से आप लोगों ने प्रिंटर लगाया है, सेटिंग है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे एक वीडियो में। फिर उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारा दूसरा ऑप्शन क्विक प्रिंट, मतलब तुरंत प्रिंट करेगा। यह ऑप्शन भी नहीं पूछेगा आपसे कि क्या प्रिंट करना है क्या नहीं प्रिंट करना, सेलेक्ट जिस पे रहेगा ऑटोमेटिक ले लेगा वो बाय डिफॉल्ट, और क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू। क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डेटा जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो उसे अगर दिखना है कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, तो प्रिंट प्रीव्यू पे हम लोग जाते हैं। अगला है प्रिपेयर। प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज आता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आता है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट आता है, ऐड डिजिटल सिग्नेचर आता है, मार्क्स फाइनल आता है, ये सारी चीज़ें किस में आता है, प्रिपेयर में आता है। सेंड। अब सेंड हम लोग दो ऑप्शन है, पहला ईमेल और दूसरा इंटरनेट फैक्स। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा को हम लोग ईमेल पर सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट फैक्स पे कर सकते हैं, ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगर रही पब्लिश की बात, तो पब्लिश ब्लॉग्स। ब्लॉग्स जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं भाई, गूगल में जितने भी मैटर आप लोग पढ़ते हैं वो ब्लॉग्स के द्वारा दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेज सर्वर जो होता है, वो भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर का भी हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कशॉप कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज, जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ये एमएस वर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब काम की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो हमारा सामने दिया हुआ है पेस्ट, क्या दिया हुआ है, पेस्ट दिया हुआ, ये तब काम करेगा जब कोई भी मैटर यहाँ पे लिख देंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए ये मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, ये मैटर हमारा लिखा हुआ है। अब जब ये मैटर लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि हम लोग कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, जब तक हम लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए पेस्ट में भी क्या है, पेस्ट फ्रॉम आता है, पेस्ट स्पेशल आता है, पेस्ट आता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी मैटर को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, अब देखिए हम यहीं क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। जितनी बार पेस्ट करेंगे, देखिए पेस्ट 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 होता जा रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये जितनी बार आप यहाँ पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक पेस्ट होता जाएगा, तो पेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से कट किया और कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब ये ऑप्शन है कट का, ये कट कर सकते हैं हम लोग। कोई भी डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया हमने इतना, और क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। अब देखिए डेटा गायब हो गया, कट हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर। ये क्या है, ये क्या करता है कि वन फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। एक जगह से लेकर दूसरा जगह पर हम लोग वही केस अप्लाई कर सकते हैं जो केस हमने लिखा है। जैसे मैंने पाइथन को लिखा है, तो ये पाइथन है। अब पाइथन को इसी अगर अप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसी केस में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा फॉर्मेट प्रिंटर है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। ये होता है हमारा फॉन्ट, क्या है, ये होता है फॉन्ट। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, क्या होता है, आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना रहे हैं। तो ये फॉन्ट होता है जो हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होता है, जिससे हम लोग फॉन्ट अपना कोई भी चूज़ कर सकते। जैसे मान लीजिए हमें इस फॉन्ट को चेंज करना है, तो हम इसको सेलेक्ट किया हमने और हम गए किसी भी फॉन्ट को चूज़ कर लेते हैं। देखिए इसको चूज़ कर लिया और ये क्या हो गया, ये फॉन्ट अलग हो गया, हो गया ना, ये फॉन्ट क्या हो गया, अलग हो गया। अगर हम इसको बोल्ड करना चाहें, ये बोल्ड है हमारा। अब कंट्रोल प्लस बी इसका शॉर्टकट की होता है, हम लोग बोल्ड कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए हमने डेटा इतना सेलेक्ट किया और बोल्ड करना, देखिए बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया,
हो गया ना बोल्ड। इसी तरीके से हमें मान लीजिए ये डेटा को अंडरलाइन करना है, तो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, देख रहे हैं ना, अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, जो ही हमने क्लिक किया देखिए ये अंडरलाइन हो गया, इतना दूर अंडरलाइन हो गया ना। तो अब इसी तरीके से इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस आई, इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है, हमने क्या किया, इतना सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इटैलिक कर दिया। कंट्रोल प्लस आई हम लोग शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं आगे, ये है हमारा क्या है, ये स्ट्राइक थ्रू है, मतलब इसे अगर गलत दिखाना है कि ये गलत है इतना, तो हम लोग स्ट्राइक थ्रू का अप्लाई कर सकते। देखिए हमने अप्लाई कर दिया, ये कट का ऑप्शन आ गया, ऊपर से एक लाइन आ गई ना, जब एक लाइन आ गई तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये गलत है, बता रहा है ना ये गलत है, तो इसका भी प्रयोग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन होता है जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, क्या होता है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो जो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ये कुछ भी लिख दिया, इसका थोड़ा हम लोग फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, मोटा दिख रहा है ना, तो हम लोग थोड़ा नॉर्मल फॉन्ट ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी लिख दिया, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमें किसी का पावर देना होता है, जैसे मान लीजिए हमने 6 लिखा और इसका पावर देना है नीचे, तो हम क्या करेंगे, हमने 2 लिखेंगे और इस 2 को सेलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट कर देंगे। देखिए 6 के नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 6 के नीचे दिख रहा है ना, इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट होता है। अब हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट करके ये प्रेस करेंगे, देखिए 6 के ऊपर चला गया, हो गया ना। तो ये क्या होता है कि ये हमारे मैथ्स में सेटिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे एमएस वर्ड में जो है अप्लाई होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग आसानी से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों की पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है हमारा ये क्या है, ये चेंज केस होता है, जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ इस माल में लिखा हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ इस माल में लिखा हुआ है ना। अब देखिए हम आपको बताते हैं, अब इन सारे चीज़ों को मान लीजिए हमें एक साथ कैपिटल करना है, तो हमें क्या, कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, चेंज केस का ऑप्शन प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिया पूरा, अब हम चेंज केस पे गए, सॉरी चेंज केस पे गए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस, मतलब क्या हुआ, ये सारे चीज ऑप्शंस दिए हैं, अब हमें सेंटेंस केस में करना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिए सेंटेंस केस में हो गया, जैसे सेंटेंस लिखा रहता है बुक्स वगैरह में वैसे हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लोअर केस में, यहाँ लोअर केस में कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद अपर केस, देखिए सारे वर्ड्स अपर केस में हो गए कि नहीं हो गए, सारे वर्ड्स अपर, अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो क्या होगा कि सारे वर्ड जो है वो पहले हम लोग स्मॉल में कर लेते हैं, किस में करेंगे, इस लोअर केस में कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, अब पहले वर्ड के सारे अक्षर, पहले लाइन सर, पहले वर्ड्स के सारे अक्षर देखे कैपिटल हो गए, हो गए ना। इस तरीके से हमारा होता है टूगल केस, ही क्या होता है, पहला स्मॉल होता है और सारे कैपिटल होते हैं, तो ये हमारा हो गया क्या, चेंज केस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद होता है यहाँ फॉन्ट साइज, हम लोग फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए आसानी से जितना हम लोग चाहेंगे उतना हम लोग फॉन्ट साइज आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं मित्रों, ठीक है। उसके बाद होता है ये हमारा क्या है, ये होता है ग्रो फॉन्ट, जिसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतना सेलेक्ट कर लिया मैटर, इतना सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, उस तरीके से यहाँ से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, हो गया, इतना हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं मित्रों आप लोगों के सामने। अब ये क्लियर फॉन्ट है, अब क्लियर फॉन्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कितना भी इफेक्ट दिया है, कुछ भी दिया है, फॉन्ट दिया है, सारे चीज़ों को अगर हमें क्लियर करना है, साफ सुथरा अपने अकॉर्डिंग करना जैसा पहले था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस देखिए इसमें फॉन्ट है ना, हम लोग इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लियर फॉन्ट, देखिए एकदम अपने रंग में आ गया, यानी कि एक्चुअलिटी जो होती है एमएस वर्ड की उसमें आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ्स में, ठीक है, पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले होता है बुलेट्स, क्या होता है, बुलेट्स होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से देखिए ये सारे बुलेट्स हैं, है ना, तो ये जितने भी फुल स्टॉप के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं केस, जैसे मान लीजिए हमने ये बुलेट्स ले लिया, अब यहाँ पे हमने लिखा इंटर मारा, देखिए बुलेट्स अप्लाई हो रहा है ना,
अप्लाई होता चला जा रहा है। तो हम लोग जितना भी लिखना चाहें यहाँ से आसानी से हम लोग बुलेट्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, बुलेट लेने के बाद नंबरिंग है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, क्या कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, और डेटा को जब हम तैयार कर रहे हैं तो उसे नंबरिंग देना है। तो हम लोग देखिए, हम जो ही जाएंगे 1 2 3 पे, देखिए वहाँ सामने देखिए 1 2 3 यहाँ दिख रहा था कि नहीं, उसी तरीके से हम जाएंगे यहाँ रोमन लेटर में तो रोमन में दिखेगा। हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग आसानी से नंबरिंग दे सकते। उसी तरीके से करंट लिस्ट होता है, क्या होता है करंट लिस्ट होता है। अगर हम करंट लिस्ट की बात करें जिसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग किसी भी डेटा को क्या करते हैं, किसी भी डेटा को मल्टी लेवल से बना सकते हैं। देखिए जैसा दिया हुआ है वैसा हम लोग बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो ये हमारा जो ऑप्शन है पैराग्राफ के लिए होता है, जिसमें सबसे पहला होता है बुलेट्स, दूसरा होता है नंबरिंग, और तीसरा होता है मल्टी लेवल लिस्ट। हमने तीनों समझ लिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे, नीचे हमारा ऑप्शन है एलाइजन टेक्स्ट, क्या है लेफ्ट का। तो एलाइजन जो होता है वो लेफ्ट में अगर हमें करना है, मान लीजिए सपोज दैट हमने इस डेटा को पहले तो हम डिलीट कर देते हैं। अब मान लीजिए ये डेटा हमारा है, इतना ही मैंने लिखा मां सपोज दैट, अब इसे हमें लेफ्ट में करना है। तो हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है और हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं, तो कंट्रोल प्लस यस करेंगे तो भी लेफ्ट में आ जाएगा, और अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो भी आ जाएगा। अब हमें अगर बीच में करना है, किस में करना है, सेंटर में, तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए हमारा मैटर ऑटोमेटिक सेंटर में हो गया। फिर उसी तरीके से जो एलाइजन राइट का होता है, कंट्रोल प्लस आर से हम लोग राइट कर सकते हैं, हमारा मैटर देखिए राइट में चला गया। और एक ऑप्शन और होता है हमारा जिसको हम लोग जस्टिफाई कहते हैं, कंट्रोल प्लस जे। अब ये क्या करता है, पूरे डेटा को जस्टिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ है, इसको जस्टिफाई करना है, तो हम देखिए यहाँ क्लिक करें, देखिए कितना अच्छा मैटर लग रहा है, इतना दूर का अच्छा लग रहा है ना, तो कोई बीच में गैप है ना, तो साइड में कुछ भी है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हमें करना है तो हम जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये लाइन स्पेसिंग है, क्या है लाइन स्पेसिंग है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस लाइन में कितना स्पेस है, देना है कि नहीं देना, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो 1.15 जो हमारा लाइनिंग स्पेस है, तो हम लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक इस लाइन में स्पेस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हम लोग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है डिक्रीज इंडेंट, इससे क्या होता है हमारा मैटर जो है वो लेफ्ट में जाता है, कहाँ जाता है लेफ्ट में, इस तरीके से इसे कहाँ आता है राइट में आता है। देखिए इंडेंट क्या हो रहा है हमारे, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये हमारा सामने दिख रहा है ना, ये हमारा इंडेंट है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग आसानी से अपने मैटर को राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन क्या, शेडिंग का, क्या ऑप्शन है शेडिंग का। तो शेडिंग मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज़ पीछे बैकग्राउंड शेडिंग दे सकते हैं। हमने दो ऑप्शन छोड़ दिया लग रहा है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन था, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर, और जो हमारा कलर फॉन्ट था, तो हमने छोड़ दिया, पहले हम इसको बता देते हैं। तो टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर क्या, जैसे मान लीजिए हमारा डेटा है, अब इसके पीछे बैकग्राउंड कलर देना, सिर्फ इसी के पीछे, तो हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं, देखिए कैसे, देखिए बैकग्राउंड कलर दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से हमें इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा जो हमारा ये है क्या नाम को फॉन्ट कलर है, तो फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया बैकग्राउंड भी, और फॉन्ट को भी आसानी से हाईलाइट कर दिया। तो ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये दोनों ऑप्शंस हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, शेडिंग की। तो शेडिंग भी दे सकते हैं नीचे, जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमें शेडिंग देना है इतने दूर का, तो हम शेडिंग कैसे देंगे, यहाँ चले जाएंगे और आसानी से जो भी कलर हमें शेडिंग देना हो हम आसानी शेडिंग दे सकते हैं। देखिए शेडिंग दे दिया हमने, दे दिया कि नहीं दे दिया भाई, हमने सेटिंग दे दिया ना, तो हम लोग जितना सेलेक्ट करेंगे उतना दूर का सेटिंग आसानी से दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा क्या आता है, सॉर्ट। अब जैसे मान लीजिए हमें पैराग्राफ में सॉर्ट टेक्स्ट करना है, तो हम आसानी से यहाँ सॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये होता है बटन बॉर्डर होता है, क्या होता है बटन बॉर्डर होता है दोस्तों। तो बटन बॉर्डर का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेटा हमने सेलेक्ट किया, हम पहले इसको सही कर देते हैं, गायब कलर वगैरह हो गया ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक, चलिए हम लोग तो इसको सही कर देते हैं। तो ये हमारा सही हो गया मैटर। अब हम अगर बात करें किसकी,
अगर हम बात करें इस मैटर की, तो अगर इस मैटर में जो है हमें बॉर्डर देना है, क्या करना है बॉर्डर देना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आसानी से हम लोग बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, तो यहाँ से हम लोग देखिए आसानी से दे सकते हैं। देखिए हमने बॉर्डर दे दिया, पूरा सेलेक्ट हो गया, चारों तरफ सेलेक्ट हुआ, हमने ऑल बॉर्डर किया, तो यहाँ से क्या हो गया पूरा आसानी से सेलेक्ट हो गया। हम लोग अगर राइट में करना चाहे तो राइट में भी दे सकते हैं, देखिए राइट में सिर्फ लगा होगा बॉर्डर। लेफ्ट में देना चाहे तो लेफ्ट में दे सकते हैं हम लोग आसानी से बॉर्डर, देखिए लेफ्ट में हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोग बॉर्डर्स पे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम अगर बात करें इसकी किसकी फॉन्ट की, तो ये नॉर्मल फॉन्ट है, उसके बाद ये कौन सा नो स्पेसिंग है, फिर ये हमारा है हेडिंग है, फिर इसी तरीके से हमारे सारे फॉन्ट के ऑप्शंस दिए होते हैं, जो कि देखिए सामने इतना दिया हुआ है। क्लियर फॉर्मेटिंग भी होता है हमारा, सेव सेलेक्शन एज ए न्यू क्लिक स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, तो ये सारी चीज़ हम लोग फॉन्ट, देखिए हम लोग कोई भी फॉन्ट लेना चाहे, ये फॉन्ट लेना चाहे, ये फॉन्ट ले लिया हमने, इसको लेना चाहिए, तो हम लोग कोई भी फॉन्ट आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आसानी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज केस होता है, क्या होता है चेंज केस होता है, अब हमें मान लीजिए चेंज कोई केस करना, मान लीजिए अच्छा करना है बुरा करना है, तो हम आसानी से वर्ल्ड 2003, वर्ल्ड 2007, ये सारी चीज़ हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें कोई भी नॉर्मल की को अप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ से चेंज केस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से होता है कलर, अब हमें कलर मान लीजिए हमने क्या किया इसको सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ से अपने कलर देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कलर भी दे सकते हैं आसानी से, देखिए कलर हो गया कि नहीं हो गया, कलर हो गया ना। फिर उसी तरीके से हमारा फॉन्ट होता है, हम लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, देखिए ये सारे फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे मैटर जो है अप्लाई हो रहे हैं, सारे फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारे फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, सेट एज डिफॉल्ट, तो हम लोग सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है फाइंड का, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो अगर हम फाइंड की बात करें तो यहाँ से होता है फाइंड, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी एक वर्ड फाइंड करना है, क्या करना है कोई भी एक वर्ड फाइंड करना है कि हमारा जो है पाइथन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है पाइथन, नहीं तो हमने फाइंड कर लेते हैं कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो वर्ड हम लोगों को मिले, पाइथन ही ढूंढते हैं, तो हम लोग पाइथन ढूंढते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन, क्या लिखेंगे पाइथन, और हम लोग क्या करेंगे फाइंड मेन डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग जो ही फाइंड करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ वहाँ वहाँ सेलेक्ट हो गया, हो गया। अब ये बता रहा है कि यहाँ यहाँ पाइथन लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हमें कोई भी डेटा चेक करना हो तो हम लोग फाइंड में जाके एक वर्ड लिख करके उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग खोज सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद हमारा आता है रिप्लेस। अब हमें रिप्लेस मान लीजिए पाइथन की जगह हमें क्या करना है, हमें लिखना है जावा, पाइथन की जगह क्या लिखना है कैपिटल में जावा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जावा लिख देते हैं। जावा लिखने के बाद हम लोग ज्यों ही हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस आल, हम लोग यहाँ से ज्यों ही रिप्लेस किए, अब देखिए ये आसानी से क्या हो गया पाइथन जो है आसानी से चेंज हो जाएगा। अभी देखिए अरे यहाँ पे हम लोगों को रिप्लेस विथ लिखना पड़ेगा, फाइंड में हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे पाइथन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पाइथन, और उसके बाद हम लोग रिप्लेस विथ में क्या लिखेंगे जावा, जावा लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस आल, ठीक। अब देखिए कि जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ वहाँ वहाँ जावा आ गया, देखिए जहाँ जहाँ पाइथन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ जावा आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग पाइथन की जगह आसानी से जावा कर सकते हैं रिप्लेस के माध्यम से, किसके माध्यम से रिप्लेस के माध्यम से। अब देखिए आप लोग जावा है दिख रहा है, सब जगह जावा हो गया ना, सब जगह जावा हो गया। इस तरीके से हम लोग आसानी से कोई भी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है सेलेक्ट, तीसरा होता है सेलेक्ट आल, हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी डेटा यहाँ से सेलेक्ट आल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और सिमिलर फॉर्मेटिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेनू है, ये है हमारा होम मेनू, होम मेनू में थोड़ा सा और छूट रहा है ये ऊपर का, तो ये जो हमारा ऊपर होता है ना दोस्तों ये होता है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या क्या इसमें सेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडू रेडू, ये जितना भी ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमें सब हटाना है तो हम यहाँ से देखिए हम लोग क्लिक हटा देंगे ना, देखिए ऊपर से गायब हो रहा है धीरे धीरे, एक एक हो रहा है ना, देखिए गायब हो रहा है ना, गायब हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपना ला भी सकते हैं न्यू, उसके बाद ओपन, उसके बाद हम लोग क्या ई सेव,
फिर उसके बाद ईमेल, ये सारी चीज़ें हम लोग ला सकते हैं आसानी से, ये हमारे हाथ में है, हमारे पास इसका ऑप्शन होता है कि हम लोग आसानी से। देखिए डॉक्यूमेंट वन के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम सेव होता है एमएस वर्ड का, वो होता है डॉक्यूमेंट दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा है होम मेनू दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए क्या है, इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात करेंगे अगले मेनू पे अगले वीडियोस में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।